ये देखिए दोस्तों, ऐसी रास्ता है और इन्हीं रास्तों से होके आगे जाना होता है। पथरीला इलाका, पत्थरी पत्थर है बड़े बड़े से। दोस्तों देखो, माता जी के स्थान में ऐसे ऊपर जाना होता है और ऊपर माता जी का स्थान है और वहीं पे चलेंगे और माता जी से वहीं पे सत्संग करेंगे। ये देखिए कैसे चढ़ रही हैं, कभी चढ़ी नहीं है ऐसे पहाड़, तो ऐसे देखिए दोस्तों चढ़ना पड़ता है। बहुत ही गृहस्थ के लिए क्या उपाय है, किस तरह भजन किया जाए? गृहस्थ में है आप, कई ऐसी जंजाल है कि भजन करना चाहते हैं गृहस्थ। दोस्तों चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आज हम संतों की खोज में चित्रकूट के देवांगना घाटी में आए हुए हैं और यहीं पे एक माता जी रहती हैं जिनको साबरी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो आज उन्हीं के दर्शन करेंगे और उनसे कुछ सत्संग लेंगे। और हमारे साथ जो भैया आए हुए हैं वो संतों की सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं और आज वही सत्संग करेंगे माता जी से और हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और माता जी के दर्शन करवाते हैं। तो आइए चलें। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, अगले संत महात्माओं के दर्शन करने इन्हीं रास्तों से होते हुए। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसी रास्ता है और इन्हीं रास्तों से होके आगे जाना होता है। पथरीला इलाका, पत्थरी पत्थर है बड़े बड़े से। आगे है जहाँ हमारा। भैया आपको ये स्थान कैसा लगा? बहुत बढ़िया स्थान है ये, बहुत बढ़िया स्थान, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपको कैसा लगा? बढ़िया। चलिए ठीक है, आइए चलें आगे। दोस्तों देखो, माता जी के स्थान में ऐसे ऊपर जाना होता है और ऊपर माता जी का स्थान है और वहीं पे चलेंगे और माता जी से वहीं पे सत्संग करेंगे। ये देखिए कैसे चढ़ रही हैं, कभी चढ़ी नहीं है ऐसे पहाड़, तो ऐसे देखिए दोस्तों चढ़ना पड़ता है। बहुत ही विचित्र चढ़ाई है दोस्तों, रास्ता नहीं है। आइए चलिए ऊपर, ये देखिए। वो पहली से आ गए थे आप? सब आते जाते रहे, 10 साल से बिल्कुल हो गए। ये देखिए दोस्तों, 10 साल माने। तो आप वहाँ बैठे? हाँ बैठे, किनारे हट जाते। नाथ के तपोवन से है वो सब। गृहस्थ के लिए क्या उपाय है, किस तरह भजन किया जाए? गृहस्थ में है आप, कई ऐसी जंजाल है कि भजन करना चाहते हैं गृहस्थ भी है। हाँ। दोनों को निर्वाहन भी करना है। हाँ। सब कुछ परत्याग देना तो सबके बस का होता नहीं। नहीं, नहीं। ये हमारा अध्यात्म मार्ग है, गृहस्थ से सन्यासी जीवन है, बैरागी, ये तो सबके बस का होता नहीं। तो गृहस्थ के लिए कोई सरल उपाय हो? सरल उपाय यही है कि जितना हो सके एक घड़ी आधी घड़ी। हाँ। आधी में पुण्यात किसी संगत साधु की हर ही कोट अपराध, हमसे जितना हो सके किसी का बन जाए, बिगड़े ना, अनहित की भाव प्रकट ना हो भीतर से, किसी का हमसे बिगड़े ना। मानव जीवन मिला है तो किसी के दुख दर्द, किसी के मने निर्बलता में कार आ जाए। पूजा सबसे बड़ी यही है मानव धर्म, कि एक मानव दूसरे मानव का मने अनहित ना कर सके। लेकिन आजकल मानव
एक दूसरे में मान लो भिड़े जा रहे हैं, फैले रहे हैं, दूसरे को मार डाल रहे हैं, मानो ही मानो तो पशु जीवन पशु बन गए, पशु बन गए। पशु भी अपना वो रखता है कि माने बच्चा कोई खेलता होगा तो किनारे से निकल जाएगा, तो बच्चे को माने पांव से दबाएगा नहीं। पशु को देखिए, गाय को देखिए, भैंस को जो भी है, छोटा बच्चा बैठा दीजिए आप, किनारे से होकर निकल जाएगी पर पैर रखेगी नहीं। तो मानो तो पशु से भी ज्यादा बेकार होता जा रहा है संगत सोसाइटी, मानो नहीं खराब है वो तो संगत, संगत से वो बस वो ही है, संगत गलत है तो विचार गलत भाई जैसी भाई वो ही मूल संगत है, विचार है यही को, विचार भी हैं अच्छे विचार भी हैं। अब जैसे जिसकी सोसाइटी है, जैसे जिसकी जैसा भी करके पुण्य संस्कार भरे हुए हैं, वैसे ही उनको विचारों को प्रकट होना है। विचार तो तब ही प्रकट होंगे जब पुण्य संस्कार होंगे, और पुण्य संस्कार बनेंगे भक्ति भाव से, वही तो भक्ति भाव। जैसे गृहस्थ में है मान लो कई जंजाल हैं ऐसे कि भक्ति का कहना चाहते नहीं हो पा रही है, विघ्न आते हैं, विघ्न आते हैं, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन जाए न जाए कहाँ है। जब भक्ति को बढ़ते हैं तो कहीं नींद ही रूप में घेर लेगी, सब शक्ति के ही तो रूप है, हर रूप में प्रकट होती है, नींद रूप में प्रकट होगी, ठंडी रूप में प्रकट होगी, कहो बाल बच्चों के रूप में वो रोने लगे, कहो चिल्लाने लगे, कोई बाधा उत्पन्न कर दे, बहुत कठिनाई आती है। वही तो भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा, हाँ ये संघर्ष ही संघर्ष है, अध्यात्म संघर्षों का ही ये मार्ग है। भाई कोई चाहे कि गृहस्थ छोड़ के आ जाए, मान लो घर में सब लोग दुखी रहे, अपन मान लो भजन के लिए आ जाए तो वो गलत निश्चित होता है, सबके बस का नहीं। हाँ भक्ति सबके, ये जो जो ये भक्ति है और संसारिक भक्ति तो सभी कोई कर रहा है, परमात्मा ने सबको बनाया है, सबको भेजा है, तो जैसी बने टूटी फूटी जो भी जैसा भी है आदमी करता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं है, करता है जिससे जिससे होता है, जितना जिसका अपना हो गया। रह गई बात भक्ति क्या है, तो आप जैसे गृहस्थ से आई हैं, तो बच्चे वगैरह हों? दो लड़की एक लड़का। अच्छा, छोटे से ही छोड़ करके बढ़ दिया, छोटे से ही बढ़ाए। हाँ। अपना नित्य क्रिया करना सीख गए। अच्छा अच्छा, उसके बाद घर में भी रहे तो भक्ति में ही लगने अच्छा, थी बचपन से। अच्छा, अच्छा वो बचपन से होता है, ऐसा संत हो, ये देवी शक्ति हो, धरती है देह को माध्यम बनाकर वो साधना कराती है, शक्ति स्वयं। लोगों को यदि मानव जीवन मिला है तो जो मानव बनने के बन तो गए हैं, पर मानव बनने का ज्ञान नहीं है उनको, तो उन्हें माने खींचने की जो है हमें प्रयास, वो भी खींच जाए, वो भी समझे जीवन को, जीवन क्या है, जीना जीवन का मतलब, जीने का मतलब क्या है, वो भी समझे। यदि कुछ हमको समझ में आया है तो कोई और समझ जाए, तो हमारे समझने का मतलब है, जब अपनी समझ में नहीं, सही बात है जी। हम समझ तो गए पर हम किसी को देखा नहीं, किसी मतलब किसी के कार हमारा समझना, किसी कार ना आया, वो ठोकर खा रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, वो हमारी राह देख रहे हैं और वो अज्ञान में पड़े हैं। तो यदि परमात्मा हमें बना रहे हैं तो फिर हम ऐसा बने, ऐसा करें कि जो हमसे कोई अच्छा सीख सके। सिर्फ संसारिकता तो परिवार ही तक और नाते रिश्ते से बाहर तो जाती नहीं है, जो परिवार नाते रिश्ते से बाहर निकल करके करता है वो ही जमी वहां से सफलता है। अब अपनापन में तो खाली अपने हैं बस। यहाँ आप लोग कितने लोग रहते थे? 3-4 लोग? 5 लोग हैं। अच्छा 5 लोग, तो
भोजन पानी की व्यवस्था कैसे बनती मान लो जब कहीं सब आते हैं। हाँ ऐसे ही आप लोग आए? अरे लोग तो काला लगता है आपको ऐसा? ऐसा नहीं। हाँ तो ईश्वर नहीं तो खैर चाहे तो मान लो प्रतिदिन लगा मान लो तो ऐसे ही लोग जब जिसके सहारे जाके हाँ। जिसकी शरण बसी हाँ। बाकी उसकी लाज जिसकी शरण में समर्पण कर दिया है हाँ। तो फिर अपना वो सब कहीं आपको ले आएंगे कहीं किसी को ले आएंगे कहीं किसी को ले आएंगे तो तो बस माध्यम बनाना है। अच्छा। परमात्मा को माध्यम बना के भेज देना निराकार रूप से बस उन्हें तो बस मति बुद्धि घुमा देना है अब आ जाएंगे लोग वो दृष्टा है। हमें लग रहा था कि आपके आज दर्शन नहीं हो पाएंगे आवाज नहीं आ रही थी हम लोग तब ये भैया आए बोले चलो हम जा रहे हैं देख मान लो कपड़े देखे तो बोले हैं जरूर मुझे आएगा देखो दर्शन अगर होना होंगे ईश्वर की कृपा होगी नहीं तो दर्शन अवश्य होंगे जहाँ पर देखो जिसका जहाँ किसने होता है तो वो ऐसा नहीं है कि ना होता है यहाँ पर जेकर सत्य सने हो अब जो कि यहाँ तक हम लोग काफी बार आते जाते रहते कोटती रहते कम्बल और जो कि रोड से ये सामने दिखता मान लो लेकिन नहीं आ पाए आज देवांगना भी गए पहली बार गए जो कि यहाँ तक तो कई बार हो गए मान लो कोटती रात हम लोग कई वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पे हाँ लेकिन जहाँ तक भेजा वहाँ तक आए बस भाई जब तक समय नहीं हुआ कि नहीं वहाँ नहीं तो नहीं आ पाए भाई जब तक ईश्वर की कृपा ना हो तब तक दर्शन नहीं हो सकते। भक्ति एकाग्र में होती है एकाग्रचित में होती है एकांत में चहल पहल में नहीं होती है। तो आप लोग परिक्रमा लगाने भी जाती है नहीं सब बस स्थाई हो गए हाँ एक जगह हाँ। फिर काली माता जी के दर्शन फिर माता जी के दर्शन हुए शायद इसी प्रसाद के लिए दोबारा आना पड़ेगा ऐसा आशीर्वाद दें कि जल्दी आए उनके चरणों में दोबारा आशीर्वाद किए उनके आए प्रवास फिर आ जाए ना ऐसा करो ना कि अपनों जो कछु काम है उसे निपटा के माता जी की शरणागत हो जाओ वो तो होना होना एक दिन तो होना होना आज आज हम अकेले हैं जो कुछ भी होना है जगत का काम गुरुदेव को ब्रह्म शक्ति के साथ बैठे हुए हैं जगत में जो हो रहा है हाहाकार आपके गुरुदेव आपके साथ में है तो बताओ बस साक्षात भगवान स्वरूप समझे तभी ना बाल बच्चों का मोह दूर हुआ कोई बच्चे छोड़ सकता है और एक लड़की दो लड़की एक लड़का है छोटे छोटे हैं। अच्छा छोटे हैं बच्चे छोटे थे जब निकले हैं। अच्छा अच्छा अब तो शादी आदि हो गई नहीं लड़का की नहीं भाई अच्छा अच्छा लड़की की एक कर दिया कर दिया माने गए हैं फिर गुरुजी जब आदेश दिया है। अच्छा अच्छा गुरु की कृपा तो है तो सब काम बनते जाते दुकान धंधा सब बंद करके बस अपना अध्यात्म में ही जी दोनों दोनों नहीं होता गृहस्थ और अध्यात्म दोनों नहीं होता मार्ग वो तो एक को त्यागना पड़ेगा हाँ, एक यदि परमात्मा की शरण लेनी है तो पूर्ण परमात्मा का बनना होगा ये तो नहीं तो फिर अपना गृहस्थ वाला जीवन है गृहस्थ जीवन है तो फिर अपना सेंधा नमक मान लो ना इसके बाद फिर जो है गृहस्थ जीवन में यही है कि अपना परमात्मा को ये धन धन तन ये सब तो बार बार आना जाना है धन तन मिलना है तो धन भी आना है कमाना है ये तो सब नाशवान है जो चीज साथ में जाना है वो नहीं कमाते लोग भक्ति ही मूल है धन और तन ये तो सब बार बार आना जाना है इसको यही मिला यही मिलना है कब से 2013 से 10 साल हो गए जब त्याग किया हुआ मान लो कितना मान लो सब त्याग किया ना बहुत बड़ी लगन ही परमात्मा श्री राम के चरणों में थी
वो बचपन से ही लगाव रहा भगवान के प्रति, श्री राम के चरणों में लगन ही थी, तो घर में भी थे तो बंद कमरा में पूजा करते थे। पचासों घर का मोहल्ला है पर कोई दरवाजे आ नहीं सकता, दरवाजा ही नहीं खुलना है, बैठे हैं पूजा में, संसारिकता में रहे पर संसारिकता में लिप्त नहीं रहे, संसार में रहे, संसारिक माने संसार के साथ में बीच में बीच बजा रही में घर है पर संसारिकता में लिप्त नहीं रहे, अलग जीवन था। लेकिन शक्ति पहले से ही ऐसे संस्कारों में ढालती है, भाई वो शादी के पहले से मान लो बचपन ही से जब भगवान के प्रति लगाव रहा, मान लो साधना करती है, व्यक्ति नहीं करता, व्यक्ति से करवाती है, प्रवेश होकर के वो करती है, व्यक्ति के बस का कहाँ है रहना। नहीं जैसे पति पत्नी साथ में भजन करना चाहे तो नहीं हो सकता, कह नहीं हो सकता, संसारिक भजन होगा, अध्यात्म में सब चीज का परत्याग, सब से बहुत परत्याग बहुत करना होता है बेटा, भौतिकता का परत्याग है, सारे सुखों का परत्याग। अभी आप बैनर नहीं पढ़ा होगा, लगा वहाँ बैनर विवेकानंद जी के विचार है, जब अपने सारे सुखों को विसर्जन कर दिया जाएगा तब इसमें आध्यात्मिक ओर बढ़ेंगे, तब दुखी लोगों के जीवन के लिए कुछ हम बन पाएंगे। यदि अपने सुख वैभव में लगे रहेंगे, अपनी पूर्ति में लगे रहेंगे तो संसार के जो दुखी दिन है का सुनेंगे, किसके लायक बनेंगे, बन ही नहीं पाएंगे। पहले स्वयं को बनना है, किसी की बनाने के लायक पहले स्वयं बनना है, तभी ना किसी का बनाएंगे। जब कुम्हार गढ़ता है घड़े को, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी आ जाएं इसी लाइन में, ठोकता है बजाता है कितना गढ़ता है फिर पकाता है उसे आंच में, जब वो पकता है तब वो ठंडा पानी देता है लोगों के पीने के लिए, शीतल बनता है पानी, बिना तपे बिना पके देह को कितनी बार वो ठोकता है अंदर, तो ये देह तपाई जाती है, तपस्या माने देह को तपाना, साधना माने सत करके चलना, सद के चलना ही साधना है, ऊपर से कुछ दूसरा है भीतर से कुछ दूसरा है, वो नहीं चल पाएगा। जो जो बन गया है सद गया है वो भीतर का सदा हुआ बाहर छलकेगा, वो बाहर समझ में आएगा, कहने में करके निभाने में बहुत कठिन होता है, जो कहता नहीं है वो दिखता है, जो भीतर है वही ना बाहर छलकेगा, वही ना आएगा व्यवहार में चरित्र में संस्कारों में, वही दिखेगा, और जो है ही नहीं है तो दिखेगा कहाँ, बनावटी में चलेगा, बनावटी तो गिर जाएगा, कितना खींच पाएगा। तो जो आपके गुरुजी हैं इनकी और भी शिष्य होंगे? हाँ। अच्छा, तो लोग बाग आते होंगे मान लो जैसे? हाँ, जब उनकी इच्छा हुई। अच्छा अच्छा, जैसे गुरु जैसे मान लो, हाँ वो तो है, जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही तो गुरु पूर्णिमा पे आएंगे लोग बाग। हाँ, जिसकी इच्छा होगी, बहुत भीड़ नहीं लगाते। हाँ, वो भीड़ नहीं लगाते, संसारिक गुरु नहीं है वो। हाँ, संसारिक गुरु नहीं है, अध्यात्मिक, अध्यात्मिक, इसलिए कि आत्मज्ञानी गुरु आत्मा से उन्हें मतलब है। मौन धारण अभी किया है? एक महीना होगा। हाँ, क्योंकि अभी इसके पहले तो वीडियो में बोली है। हाँ, कुछ संकल्प लिए हैं। हाँ, नहीं सर, जो उनका संकल्प है, जो उन्हें करना है, कार होना है, वो जब तक नहीं, वो मोड़ नहीं आ जाएगा तब तक माने शब्द नहीं खोलेंगे, विचार देते हैं लिख के। उसमें उन्होंने बताया ना पहले कि उनका लेना है संकल्प कुछ ऐसा मानव कल्याण हेतु, पूरा जीवन बचपन से ही सन्यासी जोगी है, जगत उनका भ्रमण भी काफी रहा, बहुत 30 साल का भ्रमण है। राम जी का वनवास 14 वर्ष का था, उनका 30 साल हो चुका। गुरु जी कहाँ के हैं? बिहार साइड के, कल्याण भगवा जिला। तो चित्रकूट आए भी उन्हें भी इतने साल हो गए यहाँ इस आश्रम पे गुरु जी? हाँ, वो और आगे से भी आते जाते रहे। अच्छा, पहले से माने अपना घूम कर चले जाते स्थाई हुए हैं, 11 वर्ष ऐसा लिखित होगा। हाँ, आपके पहले मान लो आते जाते रहे। हाँ, फिर स्थाई हुए उनका पहले उसमें दिखाया गया भ्रमण किया है, भ्रमण में बहुत। हाँ, बहुत भ्रमण किया है उनका, सिर्फ एक ही उद्देश्य मानव कल्याण हेतु,
ये है उनका उद्देश्य। धरती माँ से सेवा ही मांगी है, धीरे 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 लगन लगाते 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 रहेंगे। इसके बाद यदि अपने भाग पर है, जैसा हम बनाएंगे वैसा हमारा भाग बनता जाएगा, अपना भाग स्वयं बनाना होता है। कलम तो परमात्मा की चल रही है, पर जो हम करेंगे हाँ वही वही नंबर लिखता जाएगा, पर करना पड़ेगा। हमसे किसी का अनहित ना हो, हमसे कोई दीन है गरीब है उसका बन जाए, मानव सेवा से बढ़ करके कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। वही तो बता दे, मानव सेवा झूठ ना बोलना समझ लो एक तपस्या के बराबर है। कर्म ही तो पूजा है, किसी को ठेस ना पहुंचे। संसार हवा चल रही है बिल्कुल, थोड़ी सी बांस भी बहुत लगता। अपने डेहरी के बाहर देखें तो संसार रो रहा है, रो रहा है संसार। गरीबों को देखिए, किसी के कपड़ा नहीं है, किसी के बिस्तर नहीं है, किसी के भोजन नहीं है। तो हमको परमात्मा सब कुछ दे दिया है, तो हम अपने में भूल गए हैं। बस बस हम अब हम भूल भी गए हैं, हमारे पास है भी हाँ, तो अभी हम इच्छा हमारी पूर्ति नहीं हो रही, और हो जाए और हो और जाए, हो जाए। हाँ। हमें हविष सवार है, बस एक संसार की बात कर रहे हैं भाई। उसी में से जो भूखा है उसको मान लो दे दिया जाए तो उसका पेट पल जाए, तो वो भाव नहीं जग रहे हैं, इसलिए कि अभी अपनी ही पूर्ति नहीं हो रही। हम ही पूर्ति तो हो रही, लेकिन मान लो इच्छाएं नहीं हो, वही तो इच्छा नहीं जब तक भर रही है तो पूर्ति कैसे होगी, तृप्त नहीं हो रही। अभी तो हम अपने को ही तृप्त नहीं, मने इससे तृप्त होना नहीं, वो तो इससे तृप्त होना नहीं है। मन मरे माया मरे, मन मर जाए शरीर, इसको कहाँ तृप्त होना है, इस कभी तृप्त होती नहीं, ये तो प्रत्यागने से है। जोंक है, जोंक जैसे रबड़ है, इच्छा रबड़ है, रबड़ जैसे खिंचती है। वो ये एक हुआ 10,000 हो गए तो मेरे नाती का हो गया, तो अब 20 हो जाए तो 40 हो जाए तो 50 हो जाए, बस उसी में लगा है, बस इसी में जीवन धीरे 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 बीता जा रहा है। हाँ, वो भर सकता ही नहीं है, भरने की चीज ही नहीं है। हमें इच्छा कहेगी भरनी है, कहेगी प्रकट करनी है, हम भक्ति का घड़ा भर लें, भक्ति का, धन का नहीं, भक्ति का। धन खाली हो जाएगा, धन तो खाली, लेकिन भक्ति तो साथ में जाएगी, हमेशा रहेगी। यदि भक्ति का घड़ा भर गया तो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा उभरता रहेगा। धन का खजाना नहीं, भक्ति का खजाना। धन से सत्भामा को नहीं हो गया था अहंकार, तो भगवान श्री कृष्ण को नारद जी का नहीं मोल किया है, तो तुलसी की पत्ती रूप में जब धरी है तब वो उठ गए हैं, धन से उठे नहीं भगवान। उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी थी कि जी इनका जाना हुए, पूरा धन धर दिया सत्भामा ने, अहंकार हो गया धन का, तो भगवान श्री कृष्ण तो समझे कि ये तो इसका अंकुर जाम गया अहंकार का, तो इसका उखाड़ना पड़ेगा। तो फिर सब करके लीला रुक्मिणी, जब उनका पूरा धन रख गया, भगवान उठबे नहीं भाई, सही है। एक पलरा में भगवान बैठे भड़ाने लगे कि अब क्या करें, अब मेरे भगवान मिलबो नहीं करेंगे। नारद खरीद लिया था, और नारद जी ने लिया चटनी पिसा रहे, वो तो लीला कर, लीला कर, उन्हीं की लीला है। उसके बाद जब परेशान हो गई तो कहा मैंने मेरा भाग तो नहीं बिका है, मैंने तो नहीं दिया है, सद्भामा ने दिया है, मेरे तो भगवान है, मेरा तो अभी भाग है, मैं तो नहीं दी हूँ। ताकि तुलसी के पत्ता रख बस और उसी में उठ गए, वो भारी हो गया तुलसी का पत्ता। देखिए परमात्मा धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, इसी से भगवान को तुलसी प्रिय है बहुत ज्यादा। धन दौलत से कुछ मतलब नहीं है, परमात्मा के लिए तो सब कोई निर्धन है। परमात्मा से परमात्मा ने तो नंगा भेजा और नंगा जाना है। परमात्मा से बड़ा धन, भक्ति से बड़ा धन क्या है?
और दिनहीन के दया के दया करने से वो धन भरता है, वही है भक्ति। दिन दुखियों को ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जो भजन में कहते हैं राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, जो दुराभाव करेंगे ईर्ष्या करेंगे उनको दूर रखेंगे तो कैसे बनेंगे। वही परमात्मा यहाँ है, वही परमात्मा वहाँ है, वही हर जगह हर आत्मा में परमात्मा विराजा है। तो जहाँ सजा सजाया है वहाँ सम्मान है, जो फटा पुराने में है वहाँ सम्मान नहीं है, तो परमात्मा का ही ना अपमान हो रहा है। विचारों से समझ न होने के कारण परमात्मा का ही अपमान हो रहा है। जो सजा हुआ है सोना चांदी से सब चीज से, तो उसका सम्मान है। नारी हो यहाँ ध्यान ही नहीं गया। देखो देवी शक्ति वही है, एक देखो आभूषणों से सजी है, एक फटी चिथड़ी में है। तो विचार के कारण जो फटी चिथड़ी है हमें उसे सजाना चाहिए, हमें उसे ढांकना चाहिए, अपने जैसे उसे मर्यादा देना चाहिए। देवी वही वहां भी है, जगदम्बा ही है, बस प्रकट नहीं है, गुप्त है। गुप्त रूप से वहां जगदम्बा खड़ी है सामने, वेशभूषा छिपा करके फटी फटी लटी में। भाई सामने अपन देख नहीं सकते ना, अपने अंदर इतनी शक्ति नहीं है। वही अगर जगदम्बा प्रकट हो जाए, वो फटी फटी नारी जो पहने माने साड़ी पहने और वही में प्रकट हो जाए तो संसार झुक जाएगा। पर जब तक प्रकट नहीं है तो उससे आदमी दूर से जाएगा। अरे पागल है, अरे ये तो नीच है, कीचड़ लगाए है, गंदगी लगाए है। परमात्मा भगवती की बहुत बहुत तरीके की परीक्षाएं होती हैं। अब महालक्ष्मी रहती होंगी तो उसमें भी देते हैं 16, उसमें ये 16 सब देते हैं। ज्ञान बहुत कुछ है पर लोग भाई जैसे व्रत रखते हैं उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये क्यों रखते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे हमें क्या जीवन यहाँ है, अपने से बाहर लोग नहीं जा रहे, अपने से बाहर सीमा नहीं लोग लांग पा रहे हैं। कहते हैं कि मरना भला विदेश का, जहाँ अपना हो न कोई, पशु पक्षी भोजन करें। तो ये मार्ग अपनों से बाहर का है, अपने के लिए कुछ नहीं सोचना है, वो मार्ग है ये। हम औरों के लिए करेंगे तो हमारा नुकसान कौन करेगा, हम तो परमात्मा को समर्पण कर दिया है, राम जी के चरणों में सब दे दिया है। सखा सोच त्याग बल मूले, सब विधि घटब काज में तोरे, राम जी कह रहे हैं सुग्रीव से। सखा सही बात, तो जब राम जी डोरी पकड़ लेते हैं तो फिर वो कस कर पकड़ेंगे डोरी को, कस कर हमारी बाह, यदि परमात्मा पकड़ लिया है तुम्हारी बाह तो फिर छूटेगी नहीं, आप भंवर में डूबेंगे नहीं। यदि वो पकड़े नहीं है, जब तक नहीं पकड़े हैं तब तक तो डूबना भी है, उतराना भी है, सब होना है, धौ धौ में पड़े हैं। कोई बाढ़ आ गई, समर्पण भाव बना लिया और समर्पण कर दिया तो फिर तो उन्हीं को पार लगाना है। अब यहाँ है तो पूरा समर्पण है, दरे दरे में जगह जगह में विश्वास है, यहाँ से भी देंगे विश्वास, वहां से भी देंगे, आप में भी देंगे, सबसे विश्वास देंगे। विश्वास है एक तत्व, शरीर नहीं, तत्वता है, विश्वास देते हैं, शक्ति तत्वता है देती है, बस उसका कुछ समझेगा। साकार रूप तो साकार रूप की पूजा, साकार रूप को समझना, तो जितना आंखों में दिखता है उतना ही समझ में आएगा, जो दिखता नहीं है तो कहाँ से आएगा। वो निराकार का खेला है, अध्यात्म निराकार है, समझ की चीज है, सकार की नहीं है। सकार में तो अपना जितना हो गया, बस इतना है कि हमसे गलत ना हो, किसी का अनहित ना हो, थोड़ा से पुष्प चढ़ा दें, दो पुष्प चढ़ा दें। यदि एक घंटा पूजा किया है और किसी गरीब को हमसे दुख हो गया तो हमारी पूजा नहीं है, हम श्रापित हो गए। हमें किसी की हाय नहीं लेना है,
किसी की हाय नहीं लेना है। उस पर यदि उसका दुख है कुछ है तो हमें सहयोग करना है, हमारा है ही क्या। लेकिन लोग वाग मान लेते कि जी हमारा है, जी हम हैं, हम कर रहे हैं, हमें परमात्मा ने दिया है, एक जगह दे दिया है, एक जगह सामने गरीब बन के खड़ा है, है परमात्मा है, तो हमारी परीक्षा ले रहा है, तो हम उस परीक्षा में सफल हूँ। यदि हम लग जाएंगे करते 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 तो परमात्मा हमको सफल कर देंगे। वो नाना रूप में आते हैं, रूप धारण करके। दीन लखत हैं सब ही को, दीन लख न कोई, जो रही में दीन ही लख तो दीन बंधु सम। परमात्मा 14 वर्ष रहे का भेल सबरी माता कबेर खाए, जूठ खाए, प्रेम में खाए, प्रेम खाए न वो बेर खाए, उन्हें जाति पाति से मतलब है, ये तो प्रेम के बस में है, वो तो बस भाव खाए इतना भी भाव की। अब देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब नहीं है, देखो जात की कोल थी, प्रेम देखो कि वो विभोर हो गई, भूल गई कि मैं का खवा रही, वो तो भाव में चीख चीख के खवा रही कि मेरे परमात्मा को मीठे है ना, मीठे हूँ, रोज झाड़ू लगाती रही, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लोगों ने पकड़ पकड़ झटका है। और क्या, वो तो बचपन से लेके मान लो बताओ कितना बुढ़ापा, कितने हजारों साल जी। अब मिले गुरु वचन सदा सत्य, मिथ्या नहीं होता है, सदा सत्य सत्य होता है, भगवान आए वो दर्शन लिए, पर उन्होंने ये नहीं किया कि अरे बीत गई कितना, कब आएंगे कब ना आएंगे, आशा नहीं छोड़ी, पकड़ लिया गठिया लिया, शब्द को गठिया लिया छोर में, परमात्मा आकर के आते आते आ ही गए। देखिए माता पिता को नहीं सुनाए पर सबरी को नौधा भक्ति सुनाई है, नौ भक्ति थी उन्हें। अब बताइए जाति देख रही है कि भक्ति देख रहे हैं, संसार क्या देख रहा है, जाति पास से कोई संसार क्या देख रहा है, संसार जाति देख रहा है, आजकल तो जाति कौन जाति का है, चमार है तो कोरी है तो जमादार है तो भंगी है, भगवान जाति देखे कहीं नहीं, यदि जाति देखते तो नवधा भक्ति उसमें परमात्मा स्वयं सिद्ध कर गए, स्वयं कह गए कि नवधा भक्ति सुनाई कि तुम में तो नवो है, जो नव महु जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, तुझ में तो नवो भक्ति है माता, है? गरीब लोग स्थानों में घुस नहीं पा रहे हैं, यदि हम ही को कल, आज हम बनिया हैं, कल हम ही को भगवान चमार बना दे, जमादार बना दे, यदि हमें कुछ याददाश्त रहे कि हम पहले बनिया थे या फिर हम चमार हो गए, या फिर वही हमारे साथ लोग माने सलूट करें कि मंदिर में घुसने ना दें, पूजा करने ना दें, उसी परमात्मा के बच्चे सब हैं, और देखिए कि परमात्मा से ही दूर है, परमात्मा नहीं कर रहे हैं दूर, यहाँ मनुष्य कर रहा है, समाज समाज कर विचार कर रहे हैं, विचारों से तत्व तो उसी में, सबको तो वही मरना है तो उसी में मिल जाना है, मरना है, प्रकट है तो उन्हीं में है, अब ये देह छोड़नी है तो उन्हीं में, उन्हीं से तो सब है, भगवान श्री कृष्ण गीता में तो कह रहे हैं, विराट रूप में दिखा तो रहे हैं, मुझे से प्रकट है, मुझे में समाहित, जाना कहाँ है, रह गई करनी और भरनी, करनी से अलग होना है, 84 लाख योनि में जाए, चाहे भक्त बने चाहे मनुष्य बने, अपने किए का मिलना है पर करना पड़ेगा, पर यही है कि अपना हमसे अपने कार्य से अपने बाल बच्चों से अलग भी कुछ हो जाए, मानव सेवा हाँ, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, और औरों के लिए भी कुछ सोचे समझें, गरीबों को देखें, गरीबों को भी देखें कि हमारे बच्चे पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गरीबों को देखे कि कटोरा लिए बैठे हैं भूखे, एक एक रोटी को हेर रहे हैं, तो उनके विषय में हम यदि सोच लेंगे तो हमारी भक्ति हो गई, परमात्मा फिर हमको रास्ता देंगे कि इनके लिए भी कुछ करो, विचार देंगे भीतर से, यदि तुम्हारे भाव बनेंगे तो तुम भीतर से प्रेरणा देंगे
कि बेटा अपना जीवन सफल कर लो, मानो जन्म मिला है। परहित जिनके मन माही, जिनको जग कुछ दुर्लभ नहीं, इसी को परहित कहते हैं। परमात्मा शक्ति आई, देखिए अपने को त्याग करके, माता गए, पिता गए, सब कुछ छोड़ करके वनवास ले लिया, परहित के लिए, भक्तों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए। वहां अपना कोई नहीं था, उनका जाए ठीक है, जब भी इच्छा घूम जाइए, आपका ही है, ऐसा नहीं है, आपका ही है सब।